प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दिल सा दुश्मन कौन इसे पहचाने हो, बेगाने अपने लगते हैं और अपने बेगाने हो। प्यार मोहब्बत गुस्सा नफरत दिल में कई खजाने, दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिला दी जाने, कौन दिला दी जाने। यारी पुल के बन जाते हैं दुश्मन यार पुराने, हंसते हंसते चढ़ जाते हैं सूली पर दीवाने, दिल दरिया समुंदरों डूंगे, दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिला दी जाने, कौन दिला दी जाने। कुमकरण जी उठ जाओ, सुबह हो गई। अरे शरबती लाल उठ जाओ भाई, एक दिन तो दुकान वक्त पर पहुंच जाओ, आज तो भाऊजी भी नहीं है, काम करना है बहुत। चलो उठो कांता, कांता इधर आना। देखो भाई एजेंसी के कागजात हैं कुछ, इन पर दस्तखत करने तुमने, ये लो। एक इधर करना तुम, एक इधर और एक इस तरफ कर देना, यहाँ पे पकड़ो ये। और ये पैसे हैं ताई जी के हिस्से के, इन्हें अपनी अलमारी में रखा तुम। और इसे एक चेक पर भी साइन करना है तुमने। और शरबती जी जब ये चेक पे साइन कर दें तो इसको बैंक में ले जाना आप, और ये जब इस पे साइन कर दें तो इसके बाद इसे रजिस्ट्रार के दफ्तर ले जाना आपने, और ये सब काम करके आप दुकान पर जल्दी पहुँचाएगा, बहुत काम है, बाबूजी यहीं है, पकड़ो। देखा प्रजाई जी, देखा, मुर्दों के नाम पे पैसा जमा करवा रहे हैं, धंधे में बराबर का हिस्सा भी रखा हुआ है, और जो जिंदा हैं अपने हैं वो तनख्वाह पर। आप ही बताओ प्रजाई जी, ये कहां का इंसाफ है? आहा बड़े आए इंसाफ करने वाले, जो अपने होते हैं ना वो अपनों के साथ बेईमानी नहीं करते। रानी तू ज्यादा चबड़ चबड़ मत किया कर मेरे साथ, बहुत जबान चलने लगी है तेरी, ये बातें तेरी समझ में आने वाली नहीं है। अरे क्या बेईमानी करता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा एक हाथ पौआ या हद से हद दो तीन डब्बी दिन में सिगरेट की। रास्ता लगा दे जल्दी जाना है। अरे वाह नंदू, आज बड़े दिनों बाद तूने पगड़ी पहनी है, कहाँ जाना है? अब हम भी इनकम टैक्स देने लगे ना, तो जरा रास्ते में इनकम टैक्स के वकील से मिलता जाऊंगा। सच जिंदा रहे पुत्र। टेलीग्राम आपका तार है, जबरदस्त कर दी। शांति बेटा, क्या हुआ? अरे बोल ना, बताइए ना क्या बात है, क्या लिखा है? नहीं बताऊंगा, पहले मुझे लड्डू खिलाओ, उसके बाद बताऊंगा किस तार में क्या लिखा है। लड्डू बाद में खा लेना जी, पहले बताओ तो इसमें लिखा क्या है। मत खिलाओ, जब तक मुझे लड्डू नहीं मिलेंगे
तब तक केदार मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। अच्छा बाबा मत दिखा, बस बता दे क्या लिखा है। तू उल्लू बना रही है मेरा। वाह वीर जी, बने बनाए का क्या बनाना। अगर मैंने आपको बता ही दिया तो इसका मतलब है कि दिखाई दिया। अच्छा अच्छा बताओ तो सही इसमें लिखा क्या है, तार है किसका। अच्छा हाँ बोलो, अब बोल किसका तार है और क्या लिखा है। बाबूजी का। क्या लिखा है। लिखा है नंदू को लड्डू खिला। जा बेटी जा, पहले लड्डू ले आ, नहीं तो ये नहीं बताएगा। खा लग खाइए। अब जाए बोल। वीर जी अब बोल भी। बता रहा हूं मां, पूज्य माता जी। बोल आप। पूज्य माता जी, पूज्य बहन जी और पूज्य नहीं नहीं सिर्फ बीवी जी, खबर ये है कि बाबू जी को ताया जी मिल गए हैं। जी हाँ, और सिर्फ ताया जी नहीं बाकी सारा परिवार भी मिल गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो मंदिर जाऊंगी प्रसाद चढ़ाने। मैं भी। अभी रुको तो सही, थोड़ी और खबर है। बाकी क्या खबर है वो भी तो बता। और बताना। बाकी खबर ये है माँ जी कि बाबू जी ताया जी को लेकर सारे परिवार के साथ आ रहे हैं, इसलिए कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। सारा घर साफ करो और ताया जी के रहने के लिए जगह बनाओ। और आप क्या करेंगे लाला नंद किशोर जी। बहन जी मैं दुकान जाऊंगा, दुकान पे जाकर महेंद्र के लिए जगह बनाऊंगा, अपने ताया जी के लिए अच्छी सी गद्दी तैयार करूंगा। ताया जी का सामान कहाँ रखना है। ये शरबती लाल के कमरे में रखा दो। वो तो मैं कहाँ जाऊंगा। शरबती लाल जी आप वो बाहर वाले कमरे में चले जाना, वहाँ कोई सो सकता है। सोने थोड़ी ना कह रहा हूँ आपको मैं, आप सामान वहाँ रख दो, सोने के लिए बाहर खुला बरामदा है, वही सोना। मैं नहीं रह सकता किसी जगह में। वाह क्यों नहीं रह सकते, मैं तो अपने ताया जी के लिए बाहर सड़क पे सोने के लिए भी तैयार हूँ। ये वही ना बात। शरबती लाल जी अब आप तैयार हो जाइए दुकान जाने के लिए, और माँ जी जब तक हम वापस आए सारा का सारा काम ठीक ठाक होना चाहिए। बेटा तू तो चिंता मत कर, तू जा मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, आप जल्दी से कीजिए। आइए शरबती लाल जी दुकान चलिए। ऐसा करता हूँ ये गल्ला तो यहाँ से उठाकर वहाँ रख दो, तो कुर्सी को तो यहाँ से हटाई दो। कुर्सी हटा रहे हो, बैठोगे कहाँ। अब कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगा, अब गल्ले पे तो ताया जी बैठेंगे। लेकिन ताया जी को कुर्सी पर बैठकर कपड़ा बेचना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए वो गद्दी तैयार कर दी है वहाँ। खैर मेरे लिए तो कुर्सी रहने देना भाई, मुझसे गद्दी में नहीं बैठा जाता। भाई अब तुम बैठोगे नहीं तो मैंने क्या करना है। तुम सीढ़ी चढ़कर थान लगाया करोगे। तो क्या काउंटर बैठ कर बिक्री नहीं करूंगा। यार चार लोग तो हम पहले ही हैं, ताया जी होंगे, पिताजी हैं, मेरा महेंद्र होगा, मैं हूँ, कितने लोग बैठेंगे काउंटर पर यार। और वैसे भी किसी को थान तो लगाना ही है ना। मैं नहीं चढ़ सकता सीढ़ी के ऊपर। यार फिर तुम जाकर कोई और नौकरी ढूंढ लो, वैसे भी यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी। लेकिन नंदू ताया जी के आने पे बैंक का अकाउंट बदलना पड़ेगा, कहीं ना बखेड़े खड़े हो जाएंगे, एजेंसी के कागज, बैंक के लोन के कागज, सब फॉर्म बदलने पड़ेंगे, और फिर जो कुछ आता है उन्होंने किया सब गलत हो जाएगा। आज तक जो कुछ हुआ है वही गलत था। असल बात यह है कि ये दुकान ताया जी की ही है, और आज के बाद जो कुछ गलत हुआ है उसे मैं सही कर दूंगा।
चलो अब कर चले। दुकान नहीं खोलनी क्या? मेरे ताया जी वापस आ रहे हैं और मैं दुकान खोलूंगा? अब ये दुकान तो मेरे ताए जी आकर ही खोलेंगे। चलो झूठी कस्में खाने लग गया महेंद्र भाई, एक बार भी याद नहीं आई मेरी। चलो पर जाइए, कांता से मिलो, अंदर है। चल पुत्र। चलो भाई जी। भाई जी आप मुझे अकेला छोड़कर कहां चले गए थे? देखो भाई जी, आपको याद कर करके मेरा वजन कितना कम हो गया। घर में, दुकान में, ताजी सोते जागते बस मैंने आपका ही नाम लिया था जी। चुंदर है पुत्र, ताजी कहां चले गए थे आप? ने ये भी नहीं सोचा कि मैं अकेला इतने बड़े शहर में कारोबार कैसे चलाऊंगा। क्यों नहीं आए आप? क्यों पुत्र? जी मेरे पुत्र, लाख बरस जीत इससे क्या लड़ना, ये तो मेरी बेटी है, मेरी लाडो। लड़ाई तो मैं तुझसे करूंगी परजाई, पर पहले कुछ खिला पिला लूं, फिर पूछती हूं कि इतने साल कहां थे और खबर क्यों नहीं दी। ठहरा प्यारे, मैं अभी तेरे साथ रसोई में चलती हूं। चल परजाई चल। कहां चली राजी? वो कम से कम एक दिन तो मेहमान बन के रह सकती हो ना? ठीक तो कह रहे हैं पिताजी। देखो प्राची, अगर मेहमान बनाकर रखोगे तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं चली। अरे भाभी मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, कल से इस रसोई पर आपका कब्जा। अब ऐसे भी मुझे भी बहुत दिन हो गए आपके हाथ के बने हुए पराठे खाए बिना। चलो हवा पर ताया के खाली पैर दबाने में ताया की भूख खत्म नहीं हो जाएगी। जा कुछ खाने को लेके आ। उमी, अब तो भूख ही नहीं रही। मजा आ गया। तुझे मेरी याद नहीं गई? ताजी खाओ। आओ मेरा पुत्र। क्या दे? रानी तेरे बाल बच्चों की फौज कहाँ है? ताजी मेरी फौज में तो एक सिपाही है। हैं? वो ये है। ओह परजाई जी, मोहन कहाँ है? बाहर ताई जी के साथ खेल रहा है।
अजय जी मौन कहाँ है? ताई जी मौन कहाँ है? समझ लो कि इंद्रमोहन हमारी जिंदगी से बहुत दूर चला गया। उसकी जुदाई ने मोहन सिंह, महेंद्र, कुलवंत, इंदर कौर सबको बहुत तोड़ दिया है बेटे। उनको जिंदगी में वापस लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसका नाम भी ना ले। मोहन की बात ही ना करें। जब यहां से बाहर जाओ तो ऐसे जैसे हमने इस दुख को सहन कर लिया है, अब हमें याद भी नहीं कि कोई हमारा बच्चा था। किसी ने जानबूझकर तो उसको गुम किया नहीं हुआ, जैसे हमारा गया वैसे उनका गया बेटा। भाव जी ठीक कह रहे हैं। देखो बार बार इंद्र मोहन के बारे में बात करने से कुछ हासिल तो होगा नहीं, सिर्फ सिर्फ ताया जी और उनके जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। बस मुझे यही कहना था। ताया जी आ रहे हैं। ओमी आओ ताया जी। आजा मां। अबे क्या महफिल लगा रखी है? तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जाहिर किस्मत, टाइम क्या हुआ है? ये यार तुम ही बहनों, मुझसे तुझे रोज रोज पूछोगे मैं बताने नहीं पाऊंगा। ये डंडे ने दी थी मुझे। अरे 3 बज गए। आपकी तो साधना का समय हो गया होगा स्वामी जी। ये क्या पहन रखा है बता रहे यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। उम्मी
पता नहीं कहां कहां जाकर मन्नतें मांगी हैं, बस एक बार आस पूरी हो जाए फिर तू जैसा कहेगा कर लूंगा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत कला। कोई जनाना कपड़ा दिखाओ जी। बस जी सूट साड़ी केड़ा दसी जी। उमी तेरी पगड़ी कहाँ है? वो रोज रोज का झंझट होता है ना, तो इसलिए अपनी पहनता। अंग्रेज हो गया ना बेटे, और ये दुकान भी बड़ी अंग्रेजी स्टाइल की कर ली है। सब तेरी और कोहली साहब की मेहरबानी है, बाकी सब तेरे भतीजे ने किया। करने वाला करता रहे। नंदू कही था जी। जी दार जी। मिंदर नंदू दोनों सुन लो, जो काम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बैंक, दुकान, एजेंसी, कोई कागजात नहीं बदले जाएंगे। अरे जी मैं तो बात करके आया हूं कि जी वो मैंने गद्दी संभाल ली है, अब मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा। तूने सुना नहीं? चलो काम पे लग जाओ। उमी यहाँ बंटे वाली बोतलें तो नहीं मिलती हैं। सिंह क्या है? कुछ नहीं। इंद्रमोहन और कुछ साल में वो भी इनका हाथ पटाता। काल पर जाई। अस्ते राम प्यारी। मुझे जगा लेना था ना। कैसे जगा देती, रात को तू जगराते से इतनी देर से आई। अच्छा सुन, नंदू को उठा दे, कहीं उसके ताया जी पहले उठ गए तो वो बाजी ले जाएंगे। दोनों को इकट्ठे सैर पे जाना है ना। अच्छा
क्या हो रहा है जी? तुम्हारे सर बिल जी की कमीज का बटन खुल गया, वही लगा रही। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो। महेंद्र भी आपके कितने काम करता है, आपका भी फर्ज बनता है कि उसकी सेवा करो। सो तो है, जेठ जी ठहरे। जेठ तो खैर है ही, वैसे भी सरदार जी के बड़े एहसान हैं आप पर। एहसान? हाँ, दुकान का काम भी वो बड़ी मेहनत से देख रहे हैं। नहीं, दुकान के अलावा भी महेंद्र का बहुत भारी एहसान है आप पे। किस एहसान की बात कर रहे हो? भाई उसने तुम्हारा लड़का जो हत्या लिया। अब देखो, ना तो तुम्हारा मोहन को खिलाने का खर्चा, ना पिलाने का, ना पढ़ाई का खर्च, ना लिखाई का। उसने तुम्हारा लड़का ही ले लिया ताकि तुम्हारा सारा खर्च बच जाए। कैसी बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मोहन अचानक कहीं गुम हो गया, उसे किसी ने हत्याया नहीं है। ठीक है प्रजा जी, उन्होंने कह दिया और तुमने मान लिया। ताया जी झूठ बोलने वाले आदमी तो नहीं है। फिर कभी ऐसी बातें मत करना। अच्छा प्रजा जी, मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे एक दुखी औरत के साथ हमदर्दी है। अब जब तुमको ही अपने बच्चे की जुदाई का गम नहीं है तो मैं क्यों सिर खपाऊं? इस पे दस्तखत कर देना, मैं जाते वक्त ले जाऊंगा। दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिला दी जाने